नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने गवर्नमेंट ज्ञान चैनल में। आज आपको जानकारी देंगे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जेल वार्डर की नई भर्तियां निकली है, जिसको आप 15/11/2022 से लेकर 5/12/2022 के बीच में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी डिटेल देंगे कैसे आपने ऑनलाइन बेस पर इसको अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटियाँ रहेगी, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी जो भी गवर्नमेंट सर्विस निकलती है, जॉब निकलती है, उसकी पूरी की पूरी आपको नोटिफिकेशन के साथ इन्फॉर्मेशन भी मिले कि इस तरह आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जेल वार्ड के एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन का अप्लाई करने का प्रोसेस। तो यहाँ पे आप ऑप्शन इसको यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो यहाँ आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन आता है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पेज के अंदर इंस्ट्रक्शन दी गई है, स्टेप वन स्टेप टू किस तरह आपने अपने रजिस्ट्रेशन करनी है, एजुकेशन डिटेल डालनी है, फ़ोटो सिग्नेचर, फाइनल प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू, सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी टाइमिंग भी स्टार्ट रहेगी और आपको यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप करने के साथ साथ आगे की इंस्ट्रक्शन भी फिलअप करनी होगी। तो सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, जिसमें आपका एग्ज़ाम का नेम रहेगा जेल बंदी रक्षक परीक्षा 2022। यहाँ पे आपका कैंडिडेट नाम पूछा गया है, अपना नाम डालेंगे, उसके बाद अपने फादर का नाम डालेंगे और मदर का नाम डालेंगे। यहाँ पूछा गया अगर आपने 2021-28/6 को अप्लाई किया हुआ है इसके लिए जेल वार्डर के लिए, तो यहाँ पे आप यस करेंगे। अगर आपने नहीं किया है तो आपने नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, डेट, मंथ और ईयर, और यहाँ पे आपका जेंडर रहेगा, कौन से जेंडर से मेल है या फीमेल है। इसके बाद आपका मैरिड स्टेटस, मैरिड है कि अनमैरिड है। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर नेशनलिटी पूछी गई है, इंडियन है, तिब्बतियन है या फिर अदर, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका से संबंधित हैं, तो यहाँ पे आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। आगे रहेगा आपका रिक्वायर्ड एबिलिटी, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आपका डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉइज में रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं, उसके बाद आता है कि आप एम्प्लॉइज हैं या नहीं, और आपका जो हाई स्कूल और प्लस टू की जो क्वालिफिकेशन है आपकी उत्तराखंड से हुई है या नहीं, तो इसको आपने यस ही करना, क्योंकि तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी इंस्ट्रक्शन रहती है, जिसमें जैसे कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है कि नहीं, अगर आप कहीं बाहर से रहते हैं, उत्तराखंड के निवासी है या नहीं, तो इसमें यस या नो आप अपने हिसाब से इसमें आंसर दे देना। इसके बाद आता है आपका डोमेस्टिकली डिटेल, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। आगे यहाँ पर आपकी कैटेगरी पूछी गई है, जैसे आपने यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे तभी आपकी यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट होगी। तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी जनरल, EWS/ST किस से बिलोंग करते हैं उससे, और उसके बाद आपकी सब कैटेगरी यहाँ पे आएगी, जिसमें एक सर्विस मैन है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, फ्रीडम फाइटर है। आगे पूछा जा रहा है आपके कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे, अपने ईमेल आईडी को कन्फर्म करेंगे, मोबाइल एंटर करेंगे, नंबर को कन्फर्म करेंगे, और नीचे प्रेजेंट एड्रेस पूछा गया है, अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर देंगे, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे भरेंगे, अगर आपका सेम ही है तो यहाँ पे आपने इफ़ सेम ऐसा पे आपने क्लिक कर देना है। आगे रहेगा आपका फॉर्म भरने का स्थान कौन सा है, तो यहाँ पे लिखेंगे, और इसके बाद अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करेंगे, कन्फर्म करेंगे, कोड दिया गया है इसको एंटर करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको कन्फर्म के लिए वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ पे आई हैव पे आपने क्लिक करके वेरीफाई करना है। अगर आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे नो पे क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आ जाता है एडिट डाटा, अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो एडिट डाटा पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो इसी तरह आपका वेरिफिकेशन का पेज स्क्रीन पे आ जाता है, जिसमें आपका रजिस्टर आईडी और पासवर्ड आपके नंबर और मोबाइल पे सेंड कर दिया है। तो यहाँ पे लॉगिन के लिए आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अपना नंबर भी डाल सकते हैं, ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं।
पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था उसको यहाँ एंटर करेंगे। कैप्चा कोड यहाँ दिया गया है, इसको आपने यहाँ लिखेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद एजुकेशन अपलोड इमेज फाइनल प्रीव्यू और सबमिशन और प्रिंट एप्लीकेशन का ये स्टेप आपको कंप्लीट करने होंगे। इसके लिए आप प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्लिक करना है। आगे आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पूछा गया है आप देवनागरी लिपि को ज्ञान है आपका, तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपने मैट्रिक की डिटेल फिलअप करेंगे। यहाँ से आपने हाई स्कूल सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट पूछा गया, कौन से स्टेट से आपने मैट्रिक पास की है, तो यहाँ पे आप स्टेट उत्तराखंड चूज़ करेंगे। उसके बाद फिर बोर्ड पूछा गया है, बोर्ड कौन सा है, तो यहाँ पे बोर्ड दिए गए हैं, किस बोर्ड से आपने मैट्रिक पास की है, बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। और आपकी फाइनल मार्कशीट कब आई है, आपका रिजल्ट कब निकला हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट हाई स्कूल के सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपके मार्क्स में हैं, ग्रेड में हैं, किस में आपकी परसेंटेज बनी हुई है। इसके बाद ऐड एजुकेशन डिटेल पे आपने क्लिक करना है, ऐड हो जाएगा। इस प्रकार आपकी मैट्रिक की डिटेल ऐड हो जाती है। उसके बाद फिर से आपने यहाँ पे जाना है क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपने प्लस टू सेलेक्ट करना है और पूरी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। जितने भी आपकी क्वालिफिकेशन है वन बाई आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाता आपका परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन का, यहाँ पे आपको आर्मी का आपने 2 ईयर का कोई सेवा दी गई है या नहीं दी है, यस या नो ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद आपका नेशनल क्रेडिट का सर्टिफिकेट है, यस या नो रहेगा। आपका अदर डिटेल में यहाँ पे सबसे पहले आपका हाइट और चेस्ट में छूट पूछी गई, अगर चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। फिजिकल एग्ज़ाम सिटी यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कहाँ पे, और यहाँ पे आपने जैसे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे सेकंड परफॉर्मेंस देने पड़ेगी। तो दो एग्ज़ाम सेंटर आपको सेलेक्ट करने होंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपके अंगेंस्ट कोई क्रिमिनल कार्रवाई हुई है नहीं, तो यहाँ पर अपने नो पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपको कोई यूपीएससी यूकी एग्ज़ाम से अगर डिसक्वालीफाइड किया गया है या नहीं, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपका आइडेंटिटी प्रूफ पूछा गया है, यहाँ पे आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, जो भी आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसका नंबर यहाँ लिखेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, तो यहाँ पे आई हैव रीड पे आपने क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका फ़ोटोग्राफ अच्छा होना चाहिए, कलर में फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर साफ होना चाहिए, साइज़ 20 और 50 KB के बीच में होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका फ़ोटोग्राफ आएगा, सिग्नेचर आएगा, और उसके बाद आपने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके फॉर्म की डिटेल रहेगी, जो जो आपने फिलअप किया है इसको आपने चेक कर लेना है। उसके बाद आई हेयर बाई पे ऑल आल्सो डिक्लेयर, इसके बाद आपने क्लिक टू फाइनल सबमिशन पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनली सबमिट हो जाता है। एप्लीकेशन प्रीव्यू यहाँ से क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से आप उत्तराखंड के पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत से जो जेल वार्ड की वैकेंसियाँ निकाली गई है उसको ऑनलाइन बेस पे अप्लाई कर सकते हैं।